व्हाट्सअप दोस्तों, तो कैसी हो आप लोग। आज हम इधर ऐसी एक न्यू फिल्म टॉक के साथ, और आज हम इधर मूवीज की अपडेट, मूवी ट्रेलर, मूवी टीजर, मूवी कलेक्शन के बारे में बताने वाले, इसलिए वीडियो भी इन तक जरूर देखना। ओके, शुरू करते हैं। हमारे इधर सबसे पहला न्यूज है कमल हसन की न्यू मूवी की है। हाँ दोस्तों, उनकी जो 234 वाली मूवी थी, जिस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे मणि रत्नम, उस मूवी का टाइटल अनाउंसमेंट आ चुका है। और इस मूवी का न्यू टाइटल होने वाला है थॉक लाइफ। और इस मूवी के लीड रोल में कमल हसन के साथ दिलकुश सलमान भी होने वाले हैं। आप लोगों को ये अनाउंसमेंट कैसा लगा आप लोग हमें बता सकते हैं, मुझे तो ठीक ठाक ही लगा। ओके, तो दूसरा न्यूज है हम लोगों का इधर एजाज मूवी की, जो कि हॉल में तो गया था फ्लॉप, इसलिए इस मूवी को अभी रिलीज करने वाले हैं Zee5 पे 22 दिसंबर पे। और दूसरा न्यूज आया टाइगर नागेश राव से, और ये मूवी भी रिलीज होने वाला है अमेजन प्राइम वीडियो पे 17 नवम्बर को। और दूसरा न्यूज है डबल एक्स जिगर थंडा के बारे में, और इस मूवी का हिंदी ट्रेलर भी आ चुका है। आप लोग हिंदी ट्रेलर कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं, मुझे ये ट्रेलर अच्छा ही लगा, क्योंकि इसका जो पार्ट वन है, पार्ट वन भी अच्छा था और पार्ट टू भी अच्छा लग रहा है। दूसरा न्यूज ईगल मूवी से, ईगल मूवी के लीड रोल में होने वाले रवि तेज और अनुपमा। और इस मूवी का टीजर रिलीज हुआ है, और टीजर मुझे बहुत पसंद आ गया, यानी कि एक्शन मसाला इस टीजर ना बहुत बढ़िया है। आप लोग एक बार जाकर देख सकते हो, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और दूसरा न्यूज है महेश बाबू की मूवी गुंतुर क्रम से, और इस मूवी का एक न्यू गाना आने वाला है दम मसाला। और इस गाना का जो दम मसाला था ना, उसका प्रोमो रिलीज हुआ है, और प्रोमो ठीक ठाक है, देखते हैं गाना कैसा होने वाला है। और दूसरा न्यूज है सिंगम अगेन से, हाँ सिंगम अगेन की जो अक्षय कुमार है ना सूर्यवंशी, उनका न्यू पोस्टर रिलीज हुआ है। इससे पहले टाइगर श्रॉफ की रणबीर सिंह की पोस्टर रिलीज हुए थे, और अब सूर्यवंशी का भी पोस्टर आ चुका है। आप लोग ये पोस्टर कैसे लगा कमेंट में बता सकते हैं। दूसरा न्यूज है सैम बहादुर मूवी से, हाँ दोस्तों सैम बहादुर मूवी का जो ट्रेलर है वो आज रिलीज होने वाला है। जब तक मैं इस वीडियो को शूट करूंगा तब तक मैं भी उसका ट्रेलर रिलीज हो जाएगा। और दूसरा न्यूज है सलार मूवी से, जैसे सब लोग बोल रहे थे कि सलार मूवी पोस्टपोन होने वाला है, तो नहीं दोस्तों, सलार मूवी पोस्टपोन नहीं होने वाला है। सलार मूवी के जो प्रोड्यूसर थे, उन लोगों ने आज एक न्यू पोस्टर रिलीज किया गया है, एक है तो कि मूवी पोस्टपोन नहीं होगी। तो दूसरा न्यूज है बिगेस्ट क्लैश के लिए, दोस्तों इस नवंबर में एक बिगेस्ट क्लैश होने वाला है, क्योंकि 10 नवंबर में रिलीज होने वाला है जिगर थंडा डबल एक्स एन जापान, और 12 नवंबर को आने वाला है टाइगर भाईजान एंड के टाइगर 3। इसलिए एक क्लैश भी बहुत बढ़िया होने वाला है। इस क्लैश में कौन जीतेगा आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बता सकते हैं। और दूसरा न्यूज है थलापति 68 को लेकर, एंड थलापति विजय क्या ही हीरो है यार, यानी कि लियो मूवी में तबाही मचाने के बाद एक एक्टर आने वाला है थलापति 68 के साथ। जिस तरीके का अपडेट आया है, उस अपडेट को देखा जाए तो इस मूवी को रिलीज करने वाले हैं 2024 ईद में। हाँ दोस्तों, पहले पहले ईद में सलमान भाई जान आते थे, अभी आने वाले हैं थलापति विजय। तो आप लोग कितने एक्साइटेड है थलापति 68 के लिए कमेंट में बता सकते हैं। दूसरा अपडेट है लियो मूवी के लिए, हाँ दोस्तों लियो मूवी जो थिएटर में तबाही मचा रहा है इस मूवी ने अभी तक, यानी कि मूवी का 20 डे में आज कलेक्शन किया है 613 करोड़। हाँ दोस्तों, टोटल कलेक्शन ओवरसीज को मिला के बात कर रहा हूँ, इनका 613 करोड़ का कलेक्शन किया है। और ये मूवी जल्दी ही जेलर मूवी को भी तोड़ने वाला है, क्योंकि जेलर मूवी का कलेक्शन 666 करोड़ का है। और दूसरा अपडेट आया है लियो मूवी का OTT रिलीज डेट के लिए, हाँ दोस्तों लियो मूवी जल्दी ही OTT पे आने वाला है नेटफ्लिक्स पे 16 नवम्बर को, हाँ दोस्तों इसी महीने आने वाला है। तुम लोग कितने एक्साइटेड हो लियो मूवी के लिए, क्या तुम लोगों ने इस मूवी को थिएटर में जाकर देखा था? अगर देखा था तो कैसे लगा बता देना, अगर नहीं देखा तो क्या OTT में देखने वाले हो कमेंट बता देना। तब तक मिलेंगे दोबारा एक मूवी के साथ, बाय।